फाइटर चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्त। मैं थोड़ा ड्यूटी में बिजी होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। मैं अब आपको बताने वाला हूं कि NCL एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे तो उन क्वेश्चन से हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हम NCL के एग्ज़ाम दे चुके हैं, आंसर शीट आ चुकी है, आपने देख लिया किसका कौन सा आंसर है। लेकिन हम इन क्वेश्चनों से नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्या प्रॉफिट ले सकते हैं, क्या लाभ ले सकते हैं, कि इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी क्या रिपीट होंगे, तो वो सारी बातें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो मैं पहला क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, ये पहला क्वेश्चन है, घर्षण चक्र को आकार देना ताकि वे अक्ष के साथ संकेंद्रीय चल सके। तो दोस्त, जितने भी क्वेश्चन अपने इसमें फिटर थ्योरी के आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ, कोई भी क्वेश्चन उन क्वेश्चन से आउट नहीं गया है। तो मैं अभी बताता हूँ जो थ्योरी के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, इसमें जब हम किसी ग्राइंडिंग व्हील को किसी स्पिंडल में बांधते हैं तो ये स्पिंडल में इस तरीके से व्हील बन जाता है। लेकिन जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है ऊपर से, उसका जो परिधि रहती है वो सेम नहीं रहती है। तो उस परिधि को हम ऊपर से किसी टूल के द्वारा छील देते हैं ऊपर ऊपर। तो उस ऊपर ऊपर वाली छीलने वाली विधि को हम कहते हैं ट्रूइंग। ट्रूइंग का मतलब होता है ऊपर से उसे संकेंद्रीय बना देना। इसमें ये संकेंद्रीय लिखा हुआ है तो इसका पहले का आंसर जो रहेगा बी ट्रूइंग रहेगा। इसका रीमर में, दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, रीमर में प्रदान किए गए एक भाग पायलट का क्या कार्य होता है, यानी ये पायलट रीमर होता है। पायलट रीमर में बना के आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से रहता है, इसमें रीमर की बॉडी रहती है और आगे जाके इस तरीके से सपोर्ट करने के लिए एक ऐसा हिस्सा लगा रहता है। तो मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि पायलट रीमर का उपयोग दो होलों को एक सीध में रीमिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसमें ये लिखा गया, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा गया फिनिश कंसेंट्रिक होल। तो संकेंद्रीय छिद्रों, छिद्रों लिखा है, बहुवचन लिखा हुआ है, यानी दो छिद्र हैं, तो इसका फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर। इसके बाद मैं तीसरा क्वेश्चन करता हूँ, वामावर्ती स्क्रू किस आवर्तन में उन्नत करता है। मैं इंग्लिश देखता हूँ, ए लेफ्ट हैंड स्क्रू एडवांस इन विच रोटेशन, यानी कि वो ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड थ्रेड है उसको किस डायरेक्शन में घुमाएंगी तो वो कसेगा। तो घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी के अनुरूप किसी भी दिशा में। तो दोस्तों, घड़ी की विपरीत दिशा होती है, इसमें हम उसको घुमाएंगे तो वो बढ़ेगा, यानी उन्नत होगा मतलब कसेगा। तो इसका बी आंसर राइट आंसर होगा, घड़ी की दिशा में। यदि ये राइट हैंड थ्रेड होता तो राइट हैंड थ्रेड का आंसर हो जाता है घड़ी की दिशा में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ड्रिफ्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ड्रिफ्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्त, मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ड्रिफ्ट का उपयोग ड्रिल को बाहर निकालने के लिए किया जाता है जब स्पिंडल में लगा रहता है। तो इसमें लिखा है मशीन की धुरी से ड्रिल को हटाने के लिए, टूटे हुए ड्रिल को। तो दोस्तों, ये ड्रिल को स्थान गलत है, बी गलत है इसका, मशीन की धुरी से ड्रिल को हटाने के लिए। तो इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तो सीधे पढ़ना है, आंसर लगाना है। छिद्र के अंत को प्रवणन, अब इसमें दोस्त प्रवणन लिखा हुआ है, प्रवणन को मैं बता देता हूँ, बेबलिंग कहते हैं इसे, यानी छिद्र के सिरे पर बेबलिंग करना है। तो बेबलिंग को आप जानते हो तिरछा करना, जैसे कोई छिद्र है तो उसको इस तरीके से तिरछा किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, इसको काउंटर सिंकिंग बोलते हैं, शंकु खनन। इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर, इसे काउंटर सिंकिंग लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है शंकु खनन। इसके बाद साइनाइडिंग और नाइट राइडिंग लिखा हुआ है। तो दोस्तों, नाइट राइडिंग और साइनाइडिंग का क्वेश्चन मैं 10 बार बता चुका हूँ कि साइनाइडिंग और नाइट राइडिंग में जो होता है इसमें केस हार्डनिंग की जाती है, यानी जॉब की सतह को हार्ड किया जाता है। तो इसका वी आंसर राइट आंसर होगा। इसके बाद है रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। तो ये भी मैं बता चुका हूँ, जो रोलर, जिस बेयरिंग में रोलर होते हैं उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। वॉल्स होते हैं उसमें भी फ्रिक्शन ना के बराबर होता है, उसको हम एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग कहते हैं। इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें ये पूछा गया था कि जिसमें रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद कांसा है, इसमें थोड़ा एक क्वेश्चन में गड़बड़ी की है, इधर पे जो लिखा गया है इधर कांसा लिखा गया है और इधर पे लिखा गया गन मेटल लिखा है। गन मेटल को हम बंदूक धातु के नाम से जानते हैं, लेकिन दोस्त कांसे में जो होता है टिन होता है, चाहे इंग्लिश से लगाएंगे हिंदी से लगाएंगे, इसमें चार ऑप्शन में से एक दो ये तीन चार ऑप्शन में से एक ही जगह टिन है, इसलिए इसका फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा, चाहे हम गन मेटल पढ़कर लगाएंगे, क्योंकि गन मेटल में भी टिन होता है, कांसे में भी टिन होता है, इसलिए एक ही ऑप्शन में टिन है, इसलिए हमारा आंसर ए आंसर होगा। यदि दो तीन जगह टिन होता तो हमें फिर क्वेश्चन लगाने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन टिन एक ही जगह है इसलिए कांसे से आप लगाएंगे तो भी आंसर ए आंसर होगा, और गन मेटल से लगाएंगे तो भी आंसर होगा। इस तरीके की गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभार। डाइनट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो दोस्त डाइनट जो होता है वो चूड़ी की सतह को साफ करता है, तो इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, थ्रेड की सतह परिष्करण में सुधार करने के लिए, तो इसका बी। इसके बाद थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग क्या जांचने के लिए किया जाता है। जो थ्रेड प्लग गेज, आप प्लग से समझेंगे, प्लग का मतलब इसमें एक ऐसी
जिस प्रकार से बोल्ट रहता है, बोल्ट होता है जिसमें बाहरी चूड़ियाँ रहती हैं, वो किसी के अंदर जाता है, तो थ्रेड ब्लॉक गेज से अंदरूनी थ्रेड को चेक किया जाता है और थ्रेड रिंग गेज से बाहरी थ्रेड को चेक किया जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ब्लाइंड होल में परिछिद्रण प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले परिछिद्रण का प्रकार है, यानी कि ब्लाइंड होल में हमें क्या करना है, रीमर यूज करना है, तो ब्लाइंड होल में कौन सा रीमर हम यूज करेंगे। तो दोस्त मैं रीमर की बात बता देता हूँ, जो रीमर ज़्यादातर अधिकतर राइट हैंड फ्लूट वाले होते हैं, तो इसका सी आंसर जो है राइट आंसर होगा। जो ड्रिल होता है हमारा लेफ्ट हैंड फ्लूट वाला होता है और रीमर जो होता है वो राइट हैंड फ्लूट वाला होता है, राइट हैंड फ्लूट सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कृत्रिम अपघर्षक है, ये क्वेश्चन दोस्त मैंने 26 तारीख को जो वीडियो डाला था उसी में बताया था कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। कृत्रिम का मतलब होता है ऐसी एब्रेसिव जो खुद बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम कहते हैं। तो जिसमें जो हीरा होता है, डायमंड मैंने बताया था ये तो प्रकृति से मिलता है, पत्थर प्रकृति से मिलता है, कोरोंडम जो है प्रकृति से मिलता है, तो इसका ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान ताप पर सादा कार्बन में, यानी कि जो हमारा कार्बन है वो सामान ताप पर है, तो इसमें दोस्त थोड़ा सा यानी कि ब्रिटलनेस रहती है, तो इसका पियरलाइट और सीमेंटाइट जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पियरलाइट और सीमेंटाइट में जो है सादा तापमान पर कार्बन उपस्थित रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, घर्षण चक्र पर ड्रेसिंग का क्या तात्पर्य होता है। तो दोस्त जो घर्षण चक्र पर ड्रेसिंग की जाती है, ड्रेसिंग कब की जाती है, उसमें ग्लेजिंग और लोडिंग हो जाती है हमारी, जिस प्रकार से इस तरह से ग्राइंडिंग व्हील होती है तो इसके दांतों के ऊपर जो है कण फंस जाते हैं, तो लोडिंग कहते हैं, और इसमें कभी कभार ये कण जो है घिस जाते हैं, हार्ड बॉन्ड के उपयोग होने से घिस जाते हैं, तो हमारी व्हील चिकनी हो जाती है। तो इन दोनों क्रियाओं से हमारा जो है ग्राइंडर काटना बंद कर देता है, तो इसको हम ड्रेसिंग से छील छील कर हटा देते हैं, इस क्रिया का ये आंसर राइट आंसर होगा, चक्र के काटने की क्रिया को बहाल करने के लिए। तो ये आंसर राइट आंसर, बहाल करना का मतलब होता है जो कटिंग क्रिया वो खो देता है, उस कटिंग क्रिया को वापस हम लाते हैं। इसके बाद है ये क्वेश्चन, जो जस्ता लोहा से क्या तात्पर्य होता है, तो इसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है, लोहे पर ही, इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, इसे हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, कई बार हम बता चुके। इसके बाद है रस्प कट फाइल, तो ये क्वेश्चन जो है, जो ये रस्प कट फाइल का जिसमें मैंने टिक लगाया है, ये 16 क्वेश्चन जो मैंने बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है आंसर शीट में गलत कर रहा है, तो इसको आप टेंशन नहीं लीजिए, अगले वाले एग्जाम में शायद सही भी हो सकता है, इसलिए आप रटिए मत। जो रस्प कट फाइल होती है, इसमें देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में रस्प कट दिया, रस्प कट फाइल का क्रॉस सेक्शन जो होता है आयताकार होता है, तो इसमें देख लीजिए कहीं आयताकार फ्लैट दिया गया है, तो ये फ्लैट आंसर होगा, इसका हाफ राउंड जो है अर्धगोलाकार सही कर रहा है, या गलत आंसर है, इसका आंसर फ्लैट या चपटा सही आंसर होगा। इसके बाद 17 क्वेश्चन हम करते हैं, इसमें जो है ये क्वेश्चन थोड़ा है तो सरल, लेकिन इसको बदल के दिया है, ये 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें ये बोला गया है कि 300 मीटर लंबे मानक हेक्सा ब्लेड में, ये मीटर लिखा हुआ गलत लिखा हुआ, ये 300 mm होना चाहिए, ये मीटर नहीं होगा, क्योंकि 300 मीटर लंबी कोई ब्लेड नहीं होती है दोस्त, इस प्रकार की गलतियाँ हो जाती है, उसे इग्नोर करना है हमें। ये 300 mm है, ये 300 जो है ये mm है, मिलीमीटर बोलिए इसको, और इसमें 375 दांते हैं, तो हम इसमें 375 का जब डिवाइड करेंगे तो इससे पिच निकल आएगा, तो पिच की वैल्यू जो आ रही है वो 0.8 आ रही है, और 0.8 वाला जो होता है उसे वेरी फाइन ब्लेड कहते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा, मीडियम फाइन स्टेगर्ड और फाइन बेब, तो इसका आंसर जो होगा वो डी आंसर राइट आंसर होगा, वेरी फाइन ब्लेड होगा, उस पर बेबी सेटिंग होगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 18वां क्वेश्चन, ये 18वां क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैं भी कई बार बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था, जो मैंने लगभग 24 तारीख को अपलोड किया था, इसमें मैंने ये बताया था कि जब भी फिट चेक करते हैं तो हम आगे वाले वर्ड को नहीं देखते हैं, ये 17वें क्वेश्चन में आगे वाले को हम नहीं देखते हैं, हम पीछे वाले को देखते हैं, यदि पीछे वाले में ई सी एस तक का कोई भी वर्ड है स्मॉल लेटर में तो क्लियरेंस फिट होगा, जे के एम एन है तो ट्रांजिशन फिट होगा, और पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कोई भी वर्ड है तो इंटरफेरेंस फिट होगा। तो देख लीजिए जो पीछे जी है वो ए से एच के बीच में आएगा, इसके लिए इसका ए आंसर क्लियरेंस फिट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं दोबारा से अच्छे से आपको और समझा दूंगा। फाइल का संकीर्ण और पतला हिस्सा जो हैंडल से जुड़ा रहता है, तो दोस्त ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टैंग होता है, फाइल के पीछे जो इस प्रकार से नुक्की बनी होती है जो हैंडल में लगाते हैं, इसे हम टैंग कहते हैं, उसे हार्डन टेम्पर नहीं किया जाता। एक डिग्री का मान किसके बराबर होता है, तो दोस्त एक डिग्री का मान जो होता है 60 मिनट होता है, एक डिग्री 60 मिनट होता है और एक मिनट 60 सेकेंड होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, दो ट्रेनों की जो है समान दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा समानता चल रही हैं और दो समान लंबाइयाँ की हैं, तो दोस्त ये क्वेश्चन जो है वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन का है, तो मैं कई बार बोलता रहता हूँ कि आप कोई भी
वर्कशॉप लाइन का पेपर देने जा रहे हैं तो आप वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन की बुक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वर्कशॉप का हम पेपर दे रहे हैं और हमारी बुक भी वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन है, तो आपको वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन की बुक पढ़ना पड़ेगी दोस्त। इसके बिना आप नौकरी नहीं पा सकते हो। यही हमारी जो वीडियो का मेन मकसद है वो है ये कि आप NCL के पेपर से थोड़ा समझें और वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन की बुक से पढ़ें, या हम वीडियो बनाएंगे अभी वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन से, तो आप हमारे वीडियो को देखें और हमारे चैनल फिटर फाइटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन पर हमेशा एक ना एक वीडियो बनाता रहता हूं, लेकिन लोग उसको समझने के लिए अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन आप NCL का पेपर दे के आए होंगे तो समझ जाएंगे कि बाकी वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन हमें पढ़ना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूँ। दो ट्रेनें जो है समान दिशा में जा रही हैं, उनकी लंबाइयाँ समान है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, लेकिन इन ट्रेनों की गतियों को हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन समान दिशा में जब ये जा रही हैं ट्रेनें, तो समान दिशा में जा रही हैं, तो जब समान दिशा में जाती हैं तो उनकी चालें माइनस हो जाती हैं। तो हम 46 में से ये 46 जो है, ये 46 में से हमें 36 को माइनस करना पड़ेगा। तो 46 में से हम 36 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 10। अब हम समय बराबर दूरी बटे चाल लगाएंगे तो हमारा जो समय है वो 36 सेकेंड है, तो 36 बराबर दूरी कितनी है, दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ समान है, तो हम 2L लिख देंगे इधर 2L, और बटे में हम इधर लिख देंगे क्या दोस्त, बटे में हम लिख देंगे 10 आया था, तो 10 इंटू 5 बटे 18 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये चाल हमारी किलोमीटर पर घंटा में है। अब इसको हम हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो इस चार में से एक ना एक कोई ना कोई आंसर मैच कर जाएगा दोस्त। मैंने जो लिखा है इसको आप हल कर लेना, 36 बराबर 2L बटे 10 इंटू 5 बटे 18, इसको आप हल कर लेना, 100% आपका आंसर आ जाएगा, और नहीं आएगा तो आप हमें बताना, कमेंट्स करना, मैं लगा दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये भी वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन से है। पहली ये है 22 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 95 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 95 तक जो संख्याएँ होती है। तो हमारा जो एवरेज निकलता है, एवरेज निकलता है कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इसमें हम कैसे योग निकालेंगे, तो इसका जो सूत्र होता है दोस्त, इसका सूत्र होता है टोटल निकालने का प्राकृतिक संख्याओं का, एन बटे दो ब्रैकेट, इसका सूत्र होता है n बटे दो ब्रैकेट n प्लस वन, इसका सूत्र होता है a, इससे टोटल संख्याओं का टोटल निकल आएगा n बटे दो n प्लस वन से। लेकिन हमें एवरेज निकालना है तो इसके अपॉन में संख्या भी आएगी n, सो n से हमारा n कट जाएगा। अब हमारे पास बचा केवल n प्लस वन अपॉन टू। अब n की जगह हम 95 रखेंगे, 95 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो 96, तो 96 में 2 का डिवाइड करेंगे, यानी कुल मिला के जब n से n कट गया तो n प्लस वन अपॉन टू बचा, इसमें 95 का जब ऐड करेंगे n में और 1 जोड़ेंगे तो 96 में 2 इसका, तो 96 में 2 का भाग देंगे तो 48 का बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्त मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि छोटा था, इसलिए बता दिया। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ये 23 क्वेश्चन, ये भी वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन से है। इसमें जो दिया गया है, इसमें कोई आयस के इसमें 25% मिश्र धातु है और इसमें 90% लोहा है, और शेष जो है 75% जो है उसमें लोहा नहीं है। 60 किलोग्राम हमें लोहा बनाना है तो कितना हमें अयस्क लेना पड़ेगा, तो इसकी भी मैं एक डिक्टेशन लिख देता हूँ। जो 25% निकल रहा है तो 100 में 25% निकल रहा, तो इसको हम लिखेंगे 100 अपॉन 25, और ये 90% आ रहा तो 100 अपॉन 90, हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है 60, तो 60 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको हम हल करेंगे 100 अपॉन 25, 100 अपॉन 90 और 60 करेंगे, तो हमारा जो है सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, 266.6 आंसर आ जाएगा, जरूर आएगा और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट जो हम करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन का है। इसमें एक जो है एक कोई आयताकार तौलिया है, तौलिया आप जानते होंगे दोस्त, टॉवेल जो होती है उसे तौलिया कहते हैं, तो टॉवेल है। इसमें हमने जो वृद्धि जो लंबाई और चौड़ाई दोनों में कमी की गई, 6 का मतलब होता है कमी, ये 6 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे दोस्त। तो इसका एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ किस प्रकार से, जब भी कोई चीज़ में वृद्धि और कमी करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई अपॉन 100, इस तरीके का होता है। तो मैं इसमें प्लस माइनस मैंने लिख दिया है, लेकिन इसमें केवल माइनस ही आएगा। क्यों आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि दोनों में हमने कमी की गई, तो इसका आंसर होगा माइनस 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणे माइनस 10 अपॉन 100। अब इसको हमें हल करना है, तो जब ये माइनस 20 और माइनस 10 का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और इससे दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। अब माइनस के हमारे 30 हो जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे, तो हमारा 28 आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आपको दोस्त ध्यान रखना है माइनस 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणा माइनस 10 अपॉन 100, इसका सूत्र होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा प्लस माइनस वाई अपॉन 100, लेकिन जो 100 रहेगा वो गुणा के नीचे ही रहेगा, तो इस तरीके से इसका ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद इसमें जो है एक आदमी जो है ये वर्गाकार मैदान में चल रहा है, तो वर्गाकार मैदान में जब चल रहा है तो ये एक आयताकार मैदान है, तो ये उसको चारों तरफ चलना चाहिए। अगर ये चारों तरफ चलता तो इसके द्वारा चली गई दूरी जो है फोरे हो जाती, लेकिन ये फोरे ना होकर ये विकर्णीय रूप में चल रहा, इस तरीके से चल रहा, तो इस तरीके से चलेगा तो इसकी दूरी ए रूट टू ए रूट टू, तो ए रूट टू ए रूट टू टू रूट टू ए हो जाएगा, यानी कि ये विकर्ण होता है ए अंडर रूट टू, ये भी होता है ए अंडर रूट टू, तो टू ए अंडर रूट टू हो जाएगा, ये जो दूरी होगी टू ए अंडर रूट टू होगी। अब एक में यदि चारों तरफ चलता तो फोरे होता, लेकिन चारों तरफ ना चल के उसकी विकर्ण रूप में उससे चला तो टू ए अंडर रूट टू हो जाएगा। अब हमें इसको निकालना कि कितने प्रतिशत कमी आई है, तो कमी हमें देखना है, तो हम फोरे अधिक है, टू ए अंडर रूट टू छोटा है, तो फोरे में से हम टू अंडर रूट टू घटाएंगे। अब टू ए अंडर रूट टू कैसे घटाएंगे, हम रूट टू की वैल्यू रख देंगे, रूट टू की वैल्यू जो होती है 1.4 होती है। अब 1.414 होती है, लेकिन हम अब 1.4 का हम दो में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.88, यानी कि फाइनल जो हमारी वैल्यू हो जाएगी, हम विकर्णी रूप में जब चल रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू होगी विकर्ण रूप में चलने में, वो वैल्यू होगी 2.88। हम इसको कैसे करेंगे, घटा के देखेंगे, तो 4 में से 2.8 घटाएंगे तो हमारा आएगा 1.2a, और अपॉन में लिखेंगे 4a, क्योंकि हम 4a चलना था हमें, इंटू 100। अब इसको हम हल करेंगे तो ये a से a कट जाएगा, 4 से हम काटेंगे तो 0.3 आ जाएगा, 0.3 का हम 100 में गुणा करेंगे तो 30% इसका सी आंसर राइट आंसर आ जाएगा दोस्त। इसके बाद हम अगला करेंगे, एक वर्ग की जो विकर्ण की लंबाई है वो 20 है, यानी वर्ग का विकर्ण है जो 20, अभी अभी मैंने विकर्ण बताया है, ए अंडर रूट टू बराबर 20। अब इसको हमें ए की वैल्यू चाहिए क्योंकि इसको हमें परिमाप निकालना है, तो हमें ए निकालेंगे तो 20 अपॉन रूट टू हो जाएगा। अब 20 अपॉन रूट टू को हम 4 बार जोड़ेंगे, जब 4 बार जोड़ेंगे क्योंकि 4 लंबाई रहेंगी तो 20 को 80 बटे अंडर रूट टू हो जाएगा। अब 80 बटे अंडर रूट टू को हम हल करेंगे तो इधर रूट टू का ऊपर गुणा करेंगे, रूट टू को हम नीचे गुणा करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे तो रूट नीचे टू आ जाएगा, तो 40 अंडर रूट टू आंसर आएगा। अब 40 अंडर रूट टू को हम हल करेंगे, फिर 40 अंडर रूट टू आएगा, 40 अंडर रूट टू को हम हल करेंगे, 40 अंडर रूट टू, 40 अंडर रूट टू की वैल्यू रखेंगे तो 1.4 14 चौको 56, 1.4 इधर हम रखेंगे तो 1.4 को 4 में करेंगे तो 56 इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रथम द्वितीय तृतीय टेप क्या भिन्न होते हैं, तो ये जो भिन्न होते हैं वो टेप लीड में भिन्न होते हैं, इसका बी आंसर राइट हो, इसका टेप लीड अलग अलग होती है दोस्त। जो हमारा फर्स्ट टेप का जो ज़्यादा लंबा टेप लीड होता है, दूसरे का थोड़ा कम होता है, तीसरे का और कम होता है, तो इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। यदि समकोण त्रिभुज, ये भी वर्कशॉप इन कैलकुलेशन का है, तो इसको हम समकोण त्रिभुज बनाकर कर सकते हैं, तो इसका समकोण त्रिभुज बनाकर जब हम हल करेंगे इसको तो इसका ये आंसर आएगा। यदि आप कमेंट्स करोगे तो मैं इसको सॉल्व करके अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद एक ड्रिल में छेनी की धार और कटिंग लिप्स के बीच कौन सा एंगल बनता है, तो दोस्त इसमें रेक एंगल बनता है, क्योंकि कटिंग लिप्स और चीजल एज के बीच से ही चिप्स का निकलना स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो रेक एंगल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पावर सा ब्लेड का जो पिच का अर्थ होता है, तो पिच का क्या अर्थ होता है, पिच जो रहता है दांतों की संख्या प्रति 10 mm, दांतों की संख्या प्रति 20 mm, दांतों की संख्या प्रति इंच, तो इसका डी आंसर राइट आंसर होगा। जो हमारा पिच और टीपीआई होता है वो प्रति इंच में कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद एक टावर का है, एक टावर की ऊंचाई जो है वो 20.3 है, यदि आँख से टावर के शीर्ष का 19.30 degrees हो तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो एक पर्यवेक्षक, तो एक टावर में बना के आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इस प्रकार से एक टावर है और ये टावर का जो कोण है ये 30 degrees है, इसकी 30 degrees दिया गया है, मैं इधर बना के दिखा देता हूँ, ये 30 degrees है, नीचे का कोण जो है 30 degrees है, और इसकी जो दूरी है वो 20√3 है, नीचे की 20√3 है, और इसकी कोण है वो इधर 30 degrees है, तो 30 degrees है, तो इसके लिए हमें पता है कौन सा लगाना पड़ेगा, ये कोण 30 degrees है, ये नीचे वाला कोण, सॉरी ये ऊंचाई हमें निकालनी है, ये ऊंचाई है, तो हम इसमें ये एच है जो लंबा का काम कर रहा है और हमारा आधार है जो बेस का काम कर रहा है, तो हमें 10√30 की वैल्यू इसमें लगाना पड़ेगी, 10√30 बटे हो जाए एच बटे 2√3, 10√30 का मान क्या होता है 1/√3, और इसमें रहेगा एच अपॉन लंब बटे आधार 20√3, तो 20√3 रहेगा, तो √3 से √3 कट जाएगा, कैंची गुणा एच बराबर 20 आंसर आ जाएगा, तो इसका जो है 20 आंसर राइट आंसर हो जाएगा, 20 आंसर दिया है, हाँ देखो डी आंसर में 20 आंसर दिया है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद ये दिया है, ये भी वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन ये, इसको मैं नॉर्मली बता देता हूँ। इसमें एक बाघ है, एक हिरण को पकड़ रहा है, वो 50 छलांग आगे है, तो देखिए ये 50 छलांग आगे है कौन, हिरण। अब हिरण की एक छलांग कितने की है, हिरण की एक छलांग जो है
बाघ 5 छलांग लगाता है और हिरण जो है 4 छलांग लगाता है, ये छोड़ देते हैं अभी। बाघ जो है 8 मीटर जाता है और हिरण जो है वो 5 मीटर आगे जाता है, लेकिन बाघ अपनी खुद छलांग से 50 छलांग दूरी पर है। हिरण के पीछे बाघ अपनी छलांग का 50 छलांग ये पीछे, तो 50 छलांग से हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे हम बता देते हैं आपको। नॉर्मली 50 छलांग, एक छलांग है 8 मीटर की, तो 50 छलांग वो 8 छलांग मतलब यानी कि ये 8×40 400 मीटर की दूरी पर है अभी बाघ किससे, हिरण से, क्योंकि 50 में हमने 8 का गुणा कर दिया। हम इसमें देखते हैं कि इसमें ये 5 छलांग लगा रहा, तो 5 छलांग में ये 40 मीटर जाएगा बाघ, और हिरण जो है 4 छलांग जाए 20 मीटर जाएगा, तो ये माइनस कर देते हैं इसको, तो ये 20 आया। अब 20 फाइनली हमारा बाघ जो है 20 मीटर आगे जा रहा, क्योंकि हमने 40 में से 20 को हटा दिया। अब 20 हम छलांगें देख लें, तो हम 20 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो 20 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 400 मीटर में हमारा आया कितना, हमारा आया 20 छलांग आया, ये हमारा 20 छलांग आया फाइनल मिला के 20 मिनट, ठीक है ना, 20 मिनट आया टोटल आंसर 20 मिनट। अब 20 मिनट में हम देख लेते हैं कि एक छलांग में कितना लगा रहा, ये एक छलांग लगा रहा बाघ 5 छलांग लगा रहा है ना, और इसमें 20 आ रहा है, और ये 40 मीटर जा रहा था एक छलांग में हमारा बाघ, तो 20 इंटू 40 करेंगे तो इसका बी आंसर, 20 इंटू 40 करेंगे तो 800 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये भी व्हाट्सअप एंड कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो इसका अगर इसको आप सॉल्व करोगे, एक इस प्रकार से चित्र बनाओ के सॉल्व करोगे एल्फा बीटा कोण बना के, तो इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो आप उसको मैं बता दूंगा व्हाट्सअप एंड कैलकुलेशन। इसका मीट्रिक थ्रेड का कोण, ये भी हमारे एनसीएल वाले गलत कर रहे हैं, जो मीट्रिक थ्रेड का कोण होता है वो 60 डिग्री होता है, ये मैं आपको आंसर इसका आंसर आपको बता दी हूँ 60 डिग्री। इसके बाद एक अगला एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 100 मीटर ऊंची पहाड़ी के शीर्ष से स्तंभ, ये भी अल्फा बीटा का जो कोण होता है, इसको मैं चित्र थोड़ा बना देता हूँ, इसमें चित्र में बता देता हूँ आपको किस तरीके से आपको करना है, ये मैं चित्र बना देता हूँ, खैर लगाना आपका काम है। देखो इस तरीके से एक 100 मीटर ऊंची पहाड़ी है, इस पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर है, और इस तरीके से एक ऊपर कोण बनेगा और एक इसका नीचे कोण बनेगा इस तरीके से, तो इसका एक कोण हम ऊपर का 30 डिग्री मान लेंगे ये, और नीचे का 60 डिग्री मान लेंगे, और इसको हम मान लेंगे H, और इसको मान लेंगे X। एक बार 10-30 की वैल्यू लगाएंगे, एक बार 10-60 की वैल्यू लगाएंगे, इसको जब हम हल करेंगे तो इसका आंसर जो है सी आंसर मैच कर जाएगा, 100% सी आंसर मैच करेगा। यदि आप इसको लगा के देख लेना, कोई इसमें से एक आंसर मैच कर जाएगा। इसका निकला है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण नहीं है, तो इसमें बताना कर्व्ड फाइल होती है, हैंड फाइल होती है, फ्लैट फाइल होती है, इसमें बॉक्स फाइल नहीं होती है, तो इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इंजीनियरिंग बाइस का साइज किससे लिया जाता है, तो जो कि चौड़ाई से लिया जाता है, तो इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा उपकरण जमीन के ऊपर भारी भार खींचने के लिए नहीं, खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, तो दोस्त इसका सभी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे चीज़ें जो होती हैं, ये सारी की सारी सामान को खींचने के लिए उपयोग होती है। इसके बाद टेपर टर्निंग में जिसका उपयोग नहीं होता है, तो इसमें जो टेपर टर्निंग की पहली विधि भी सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी सही है, और दोस्त कह रहे थे कि जो लेथ एनसीएल में नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा था कि आईटीआई का कोई भी सिलेबस जो है एनसीएल में आ सकता है, तो इसका डी आंसर राइट आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, हम 40 नंबर इस क्वेश्चन को हल करेंगे, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं, जब ये पीछे दिया गया है, जो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसका जो आंसर, इसका जो सॉल्व करने में साइन कॉस में इसको हम 10 करेंगे, तो इसका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा sec की पावर 3 थीटा आ जाएगा। अब sec की पावर 3 थीटा देखिए आप किस ऑप्शन में दिया गया है, तो sec की पावर 3 थीटा जो डी ऑप्शन में दिया गया, उससे आप कर सकते हो, इनकी इस पूरे को मिला के sec की पावर 3 थीटा आएगा। और यदि आप आगे भी करना चाहते हो, तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे, तो इसमें sec थीटा बराबर जो है, sec थीटा बराबर आएगा 2 माइनस ई स्क्वायर और ब्रैकेट में 1/2 आ जाएगा इसका, तो sec थीटा की वैल्यू हम इसमें sec की पावर 3 थीटा में रखूंगे, तो इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये TDS का मैंने बोला ही था कि TDS का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, तो कैसे लगाना है, तो TDS बराबर हो गया TS माइनस 2D, और TS कितना है 12 माइनस 2D, 2 इंटू D का मैन होता है 0.61, और P की वैल्यू रखेंगे हम 1.75, तो 1.75, ये तीनों का हम गुणा करेंगे
टू और 0.61 का और 1.75 का, इन तीनों का गुणा करके हम इस 12 में से माइनस कर देंगे, तो 12 में से माइनस कर देंगे तो आपका एक आंसर जो है मैच कर जाएगा इसमें से, या सी मैच कर जाएगा इसका आंसर। अभी ये हमने क्यों रखा है, क्योंकि टी डी एस बराबर था टी एस है 12 और 2D, डी की वैल्यू हमने 0.61 पी रखी, पी की वैल्यू 1.75 दी गई है। तो इस तरीके से आप टी डी एस बराबर टी एस माइनस 2D लगाकर आप कर सकते हो। इसके बाद प्लग गेज का नो गो का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी जांच करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों जो नो गेज होता है क्षेत्र की बाहरी साइज को चेक करता है, और जो गो होता है वो निचली साइज को चेक करता है, तो ऊपरी सीमा इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम काटने के लिए किस किए जाने वाले कटिंग द्रव, तो एल्युमिनियम का मैं कई बार बता चुका हूँ मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है, तो इसका केरोसिन राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर का। इसका 44 नंबर में भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आया, इसमें हमें लिस्ट काउंट निकालनी है, तो इसमें हम 1-49/50 लिखेंगे, लेकिन कई लोगों ने ये गलती की होगी, 49/50 पे इतने में छोड़ दिया होगा, इतना में नहीं छोड़ना है हमको, इसमें हमें साइड में गुणा करना पड़ेगा 0.5 mm का। क्यों करना पड़ेगा दोस्त 0.5 mm, क्योंकि मैंने इसके लिए खाने का मान जो है 0.5 दिया है, तो इसका आंसर जो है 0.02 नहीं होगा, इसका आंसर सी आंसर होगा 0.01। 1-49/50 करके 0.5 का साइड में गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये अप्रत्यक्ष मापी यंत्र का हमें नाम बताना है, तो बेवल प्रोट्रैक्टर जो तो प्रत्यक्ष मापी है, कम्बिनेशन सेट प्रत्यक्ष मापी है, अंक तालिका है, तो उसका बी आंसर राइट आंसर होगा बेवल गेज अप्रत्यक्ष मापी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, फाइल में कौन से भाग को हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है, तो हमारा टैंक जो रहता है इसको हम हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। इसके बाद N6 मान हमें बताना है कि N6 मान की वैल्यू क्या होती है, तो जो हमारा दोस्त N6 मान की जो वैल्यू होती है वो 0.8 होती है, इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, तेली फर्श को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम बुरादा का प्रयोग करते हैं सोडस्ट, तो इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल के अनावश्यक ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, तो टूल में जब घर्षण अधिक होता है अनावश्यक ध्वनि उत्पन्न होती है, तो हम क्या होता है जब घर्षण ज़्यादा होने लगता है, तो क्लीयरेंस एंगल जब हम कम देते हैं तो इसका ये आंसर होगा, क्लीयरेंस एंगल कम देने से घर्षण अधिक होने लगता है, तो इसलिए इसमें अनावश्यक ध्वनि आने लगती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षी चिन्ह के लिए प्रयुक्त पंच है, तो पंच से साक्षी निशान लगाने के लिए इसका 60 डिग्री कोण होगा, यदि एल्युमिनियम होता तो उसका आंसर 30 डिग्री हो जाता है, लेकिन इसमें एल्युमिनियम नहीं दिया गया है, इसलिए साक्षी निशान के लिए 60 डिग्री सही आंसर होगा। ताप की एसआई इकाई जो होती है, ताप की एसआई इकाई केल्विन होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी आंसर राइट आंसर होगा। एनसीएल वालों को मालूम नहीं है कि एसआई इकाई ताप की केल्विन होती है, वो दूसरा आंसर सही कर रहे हैं। उच्च कार्बन स्टील उपकरण का प्रयोग करके मशीनीकृत किए जाते हैं, तो उच्च कार्बन स्टील को जब हम मशीनीकृत करते हैं तो इसमें छोटा रेक एंगल दिया जाता है, यदि इसमें कार्बन और डायमंड और कार्बाइड होता है तो नेगेटिव रेक एंगल होता, तो इसका आंसर जो हो जाएगा छोटा पॉजिटिव रेक एंगल, क्योंकि ये हार्ड धातुओं के लिए नेगेटिव तो होता है लेकिन हाई कार्बन स्टील के लिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए, छोटा पॉजिटिव रेक एंगल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमें इसका आरपीएम निकालना है, तो आरपीएम का सूत्र बता देता हूँ, कटिंग स्पीड इंटू 1000/π/d, तो कटिंग स्पीड कितनी है, कटिंग स्पीड इसकी 20 × 1000 रखेंगे, कटिंग स्पीड 1000/π/d, पाई का मान रखेंगे हम 22/7, और 22/7 रखने के बाद हम डी की वैल्यू रखेंगे, तो डी की वैल्यू जो हमारी है दोस्त वो 20 है, 20 से जो 20 कट जाएगा 7 ऊपर पहुंच जाएगा 7000 में हम 22 का भाग दे देंगे, 7000 में 22 का भाग, तो 7000 में 22 का भाग देंगे तो 22 × 66 सॉरी दोस्तों, हम 22 का इसमें भाग देंगे 7000 में, आप हल कर रहे होंगे तो इसमें 22 × 66 3 बार जाएगा, तो इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, डिलविट का कोण कितना होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ, इसमें इसका आंसर जो है 118 डिग्री आंसर राइट आंसर होता है, डिल का साधारणतः पॉइंट एंगल। इसके बाद ये भी मैं बताया था, 51A/13B/13, तो ये जो है ग्राइंडर का स्पेसिफिकेशन लिखा है, 51 और 13 को हम छोड़ देते हैं, बीच के बर्डों को हम देखते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, तो जो ये होता है ये एब्रेसिव है, 46 है ग्रेन साइज है, एल है स्ट्रक्चर है, और एल जो है स्ट्रक्चर, इसमें क्या पूछा गया, बी को पूछा गया, बी के अनुसार क्या दिखा रहा है, तो इसमें ग्रेड होता है, ग्रेड और स्ट्रक्चर होता है, तो ये हो गया एब्रेसिव, इसका 46 होगा ग्रेन साइज, एल होगा ग्रेड, स्ट्रक्चर बी जो दिखा रहा पीछे बॉन्ड है, तो इसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा बॉन्ड, बॉन्ड का प्रकार जो पीछे बी लिखा हुआ है बॉन्ड है, तो रेजिनाइट बॉन्ड, बिट्टीफाइड बॉन्ड, तो इसका डी आंसर राइट आंसर होगा, क्योंकि बी होता है बिट्टीफाइड बॉन्ड। इसका नेक्स्ट करते हैं, मोस्ट टेपर कितने नंबरों में पाए जाते हैं, तो 0 से 7 तक 8 नंबरों में होते हैं मोस्ट टेपर। एक्मी थ्रेड का कोण कितना होता है, तो इसका डी आंसर 29 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है।
नट का साइज किससे लिया जाता है? तो दोस्तों नट का साइज होते हैं बोल्ट के नॉमिनल व्यास से लिया जाता है। तो देखिए इसमें सी आंसर नॉमिनल डायमीटर दिया गया है, यानी बोल्ट के साधारण व्यास से लिया जाता है नट का साइज, क्योंकि नट को बोल्ट पर ही चढ़ाया जाता है। इसका अगला है मूस टेपर का कोण कितना होता है? तो मूस टेपर का जो कोण होता है अर्ध कोण, अर्ध लिखा गया है इसमें, तो 1 डिग्री 29 मिनट होता है। तो डी ऑप्शन में दिया गया 1 डिग्री 29 मिनट। इसके बाद जी सी लिखा गया है, जी सी मैं भी इस क्वेश्चन को बताया था, जी सी जी सी का मतलब होता है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, जो होता है ग्रीन जी सिलिकॉन कार्बाइड का सी होता है लेकिन जी लगा देते हैं तो ये ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड हो जाता है। ये मैंने पिछला दो तीन दिन पहले जो एग्जाम के 2-3 दिन पहले वीडियो किया था उसमें बताया था। तो इसका ग्रीन देख लीजिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन में दिख रहा है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका आंसर सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ये हम ग्रीन से समझ जाएंगे। इसका जिग फिक्सचर के रूप में प्रयोग किए जाने वाली लोकेटिंग डिवाइस है कि जो किसी सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ता है और गाइड भी करता है। तो इसमें भी ब्लॉक दिया गया है, तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा कि सिलेंड्रिकल जॉब को हम भी ब्लॉक में पकड़ सकते हैं और गाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद तीन जो है, अगला क्वेश्चन जो है, तीन मापे जाने वाले जार हैं, ये जार दिए गए हैं, इसमें एक में 15 लीटर आ रहा है, एक में 30 लीटर और एक में 50 लीटर। तो ये भी वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन से इसमें न्यूनतम दे रहा है। न्यूनतम न्यूनतम का मतलब दोस्तों है एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे हम 15 का 50 का और 30 का, 15, 50 और 30 का एलसीएम लेंगे। तो 15, 50, 30 का एलसीएम देख लेते हैं, 75 में 50 का भाग नहीं जाएगा, तो इसका 150 आंसर सी आंसर राइट आंसर होगा। न्यूनतम में हम एलसीएम लेते हैं, अधिकतम में एचसीएफ लेते हैं। इसके बाद ये है जो हॉल कमरे के क्षेत्रफल का है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको भी आप कमरे की इसको आप कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्र, यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है तो हॉल का आयतन ज्ञात करें, यानी कमरे और फर्श का क्षेत्रफल का योग। तो इसको भी आप वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन से चाहो तो देख के कर सकते हो। इसका आंसर चाहिए हो तो आप का आंसर शीट में मिल ही गया है, तो आप आंसर देख सकते हो, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा डिटेल्स में लगाना पड़ेगा, लेकिन इधर इतना स्पेस है नहीं है। तो इसको आप मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आंसर शीट में मिल गया होगा। इसके बाद शंक्वाकार बर्तन में निहित पानी का वजन क्या होगा यदि बर्तन की गहराई इतनी है? तो हमें बर्तन में पानी निकालना है तो आयतन निकालना पड़ेगा। तो शंकु का जो आयतन होता है वो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। तो हम इसमें 1/3 π = 22/3 r² r कितना दिया, r दिया 8, 16 है तो 8 रख देंगे हम, 8 × 8 कर देंगे, h गहराई जो 21 है 21 का मान रख देंगे, तो इसमें से कोई एक आंसर आ जाएगा। पानी भरना मतलब आयतन निकालना, आयतन का सूत्र मैंने लिख दिया, इसमें मान रख के आप कर सकते हैं। इसके बाद जो गेंद का एक क्वेश्चन आया, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, 1-3 सेंटीमीटर की गेंद को पिघलाया, तो गेंद के लिए मीटर को बता देता हूँ। गेंद के लिए सूत्र होता है कि जिसको पिघलाते हो कैपिटल आर क्यू बराबर जितनी भी हम गेंदें पिघलाते जाए r1 का q + r2 का q + r3 का q, जितनी भी गेंदें होती हैं छोटी सब्स को जो इसमें हम हल करेंगे। तो r का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 3 त्रिकोण होती है, 27 आ जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर की जो गेंद है, जो छोटी छोटी गेंदें हैं, वो 1.5 को हल करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो इसके हो जाएगा 27/8 3/2 का हम क्यूब करेंगे। इसके बाद 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और प्लस r3 को हमें निकालना है, तो इधर लिखेंगे हम r3 और इसको जब हम हल करेंगे तो इसका आंसर ये आंसर आपका मैच कर जाएगा, क्योंकि 27/8 और 8 को जोड़ेंगे हम और फिर पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे, फिर बाद में हम घटाकर घनमूल लेंगे, तो इसका ये आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, इसका भी सूत्र बता देता हूँ, ये भी वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन का है। इसका सूत्र जो होता है वो होता है (2)ab + bc + ca, ये सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठ का। ए की जगह हम रखेंगे 7, बी की जगह रखेंगे 11 और सी की जगह 13, 2)ab + bc + ca तीनों को जोड़ करके 2 का गुणा कर देंगे, तो इसमें से एक आंसर मैच कर जाएगा, आप 100% मैच करेगा, करके देख लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग 63 मिलीमीटर से अधिक 200 मिलीमीटर व्यास तक के पाइप को, इसका जो पाइप बाइस चैन पाइप बाइस होती है 63 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक के जॉबों को पकड़ सकती है, और जो साधारण पाइप बाइस होती है वो 63 मिलीमीटर तक पकड़ सकती है। इसके बाद 45 डिग्री के रेडियन बताना है हमें दोस्त। तो जो पाई रेडियन होता है दोस्त, पाई रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं, पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। तो हम 180 डिग्री में पहले हम निकालेंगे कितना, 145 डिग्री का हमें रेडियन बनाना है, 45 डिग्री का रेडियन, तो ध्यान रखना कैसे बनाना है। तो हम लिखेंगे 180 डिग्री बराबर एक पाई रेडियन, तो पाई
पाई और एक का निकालेंगे तो 180 का इसमें डिवाइड कर देंगे। अब 180 का डिवाइड करेंगे ऊपर रखेंगे हम 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री को हमें बनाना है तो 45 का गुणा करेंगे। इसको हम काटेंगे ये चार बार में कट जाएगा। अब पाई बटे 4 आ गया, अब पाई बटे 4 आ गया, पाई की वैल्यू रखेंगे हम, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और इसमें हम 4 का भाग देंगे तो 4 7 28 7 बार जाएगा, तो इसका ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाई का मान 3.14 में 4 का भाग 7 बार ही जाएगा। इसके बाद लेथ मैग्नेट किस कारण से कच्चे लोहे का बना होता है दोस्त? तो ये कच्चे लोहे का इसलिए बना होता है क्योंकि ये सस्ता होता है और ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को सहन कर लेता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो इसमें देख लेते हैं, दो ऑप्शन हैं इसमें। इट डज नॉट रजिस्ट कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड यानी कि ये कंप्रेसिव भार का विरोध नहीं करता है। तो दोस्त कंप्रेसिव भार को ये सहन कर लेता है, वैसे जो विरोध नहीं करेगा वही सहन करेगा, तो इसका कंप्रेसिव भार का विरोध नहीं करता है। तो इसका ये नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो है बी आंसर होना चाहिए कि यह सस्ता होता है, क्योंकि विरोध नहीं करना चाहिए, विरोधी होना चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का विरोधी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उसका बी आंसर राइट है। 12 घन मीटर में कितने घन फीट होते हैं? तो मैं आपको ये बता देता हूँ, एक घन मीटर या एक मीटर में, इसकी भी मैंने एक ट्रिक बताई थी वीडियो में, कभी भी घन मीटर का सूत्र आपको याद नहीं करना है। एक मीटर आप याद कीजिए, एक मीटर में होते हैं 3.281 फुट। अब जब हम इसको घन बनाएंगे तो इसका हम 3 बार गुणा करेंगे, तो 3 बार 3.281 बार गुणा करेंगे, यानी कि हम याद कर लेंगे तो इसका 35.41 कुछ आएगा। अब हम ये निकला, ये जो आंसर निकला 35 ही निकला, एक घन मीटर में घन फिट। अब इसमें 12 का गुणा करेंगे हम इसमें, तो जब हम 12 का गुणा करेंगे 12 5 32 36 लगभग इसका ये आंसर 424 के आसपास आंसर आ जाएगा। यह 35.41 याद कर दिए कि एक घन मीटर में कितने घन फिट होते हैं, 35.41। वाते कैसे हैं, 3.281 × 3.281 × 3.281। अब तीन बार कीजिए, आपका आंसर 35.41 आ जाएगा, वो एक घन मीटर में होगा। हमें निकालना 12 का है तो 12 का हम गुणा करेंगे तो ये आंसर मैच कर जाएगा। तो दोस्त ये रहे NCL के क्वेश्चन। तो इसमें हम केवल ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपको कौन कौन सी किताब से पढ़ना ज़रूरी है और किस तरीके से आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।